हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले ही, क्योंकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो मुझे मालूम नहीं कि वो वीडियो कितने देर पहले डला हुआ है, क्योंकि मैं एक साथ ही तीन चार वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने कुछ किताबें रिकमेंड करी थी। कई लोगों ने पूछा कि यार आप कुछ किताबें सजेस्ट करो जो हमारे को पढ़ के मज़ा आए, कुछ सीखने को मिले। तो मैंने उसमें कुछ चार पाँच किताबें रिकमेंड करी थी। तो ऐसे ही मैं एक उसमें कुछ किताबें छूट गई थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो किसी वीडियो में बता देंगे। तो आज भी मैं आपको कुछ किताबों के बारे में बताना चाहूँगा। आज तो शायद कम किताबें बताऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा किताबों का फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है। और मैंने एक वीडियो में ये भी बता दिया कि किताब पढ़ने का सही तरीका क्या है, जिससे आपको पूरी किताब में अपना सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है। पुराने ज़माने की तरह पूरी ग्रह शोभा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉवल लेके बैठ गए और वो बुकमार्क बोलते हैं ना, उसको बुकमार्क लगा लगा के रात को जाग जाग के, जैसे लोग पहले नॉवल पढ़ते थे, औरतें स्पेशली नॉवल पढ़ती थी, वो नॉवल वगैरह पढ़ने का झंझट नहीं है। नॉवल पढ़ के कुछ नहीं किया लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट के अलावा, उनके सिर्फ शब्दकोश बढ़े और बाकी वो नेगेटिव हो गए, क्योंकि आधे से ज़्यादा नॉवल तो फिक्शन थे। फिक्शन बोलते ना, फिक्शन, काल्पनिक। तो दोस्तों क्या होता है, किताब को चुनना बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ी कला है, क्योंकि अगर आपने गलत किताब को चुन लिया तो भी आपका नुकसान हो जाएगा, आपका टाइम एनर्जी भी जाएगा और आपकी किताब भी बेकार हो जाएगी। क्या चाय है यार? ये पौधे ना गिर जाए जो तुमने रखे हुए हैं, ध्यान रखना। ये यहाँ से चाहे इनको कहीं शिफ्ट करो, थोड़ी बहुत जगह बन जाए। गर्म है यार एकदम। हाँ, तो जो किताबें चुनना ना एक आर्ट है, एक कला है। ऐसा नहीं कि कोई भी किताब पॉपुलर है तो वो आप पढ़ लोगे। कई किताबें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, पर उनके जो लिखने का जो तरीका है, जो अंदाज़ है, वो इतना अनकंफर्टेबल है कि आपके बात नहीं समझ में आई है। ऐसा भी होता है। तो हमें सेम टॉपिक पे ऐसी किताबों को चुनना है जो किताबें इजी भाषा में आपको समझ में भी आए, इजी भाषा में लिखी गई हैं। और ज़्यादातर किताबें जब आप पढ़ोगे तो उनमें ज़्यादातर उदाहरण भी मिलते जुलते होंगे, और किताब का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उदाहरणों से भरा होता है, एग्जाम्पल से भरा होता है, क्योंकि उनका मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे के आपको बात समझाई जा सके, ठीक है। और मैं ज़्यादातर ना बायोग्राफीज़ पढ़ने में भी बहुत बिलीव करता हूँ। और बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में से अगर आपको चुनना हो तो आपको क्या चुनना चाहिए, तो पहले मैं बता दूँ, बायोग्राफी होती है किसी की जीवनी, जो कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है किसी के बारे में। किसी ने महात्मा गांधी जी की जीवनी लिख दी, किसी ने नेहरू की लिख दी, किसी ने सरदार पटेल की लिख दी, किसी की भी लिख दी, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब कि अपनी आत्मकथा, मतलब अपनी कथा को खुद लिखना, ठीक है ना। तो और हमेशा ना ऑटो बायोग्राफी लिखो, क्योंकि दूसरा जो बायोग्राफी लिख रहा है मालूम नहीं ना वो उसका चमचा है या विरोधी है, उसमें खुद में कितनी अकल है, और वो फीलिंग कभी नहीं डाल पाएगा जो वो व्यक्ति। तो मैं हमेशा लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़ने में, और आजकल तो यूट्यूब के थ्रू फ़ायदा ये है कि आप लोगों के पुराने इंटरव्यू देख सकते हो, सुन सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हो, वो क्या कहना चाह रहा है इसको समझ सकते हो, वो झूठ बोल रहा है या वो सच बोल रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज देख के आप समझ सकते हो। तो मेरी जो ज़्यादातर दिलचस्पी रहती है लोगों के इंटरव्यू देखने में रहती है, जो बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं, लंबे इंटरव्यू होते हैं, और चाहे वो आज के हों, चाहे वो 10 साल पुराने हों, 20 साल पुराने हों, चाहे वो उन लोगों के इंटरव्यू हों जो अभी ज़िंदा नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में मैं हमेशा ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा पढ़ने में, कि जो उन्होंने खुद लिखी है अपने बारे में, तो ऑटोबायोग्राफी में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि उसमें आदमी अपने हिसाब से चीज़ों को समझाने में ज़्यादा सक्षम होता है, बल्कि दूसरा उसके बारे में समझाए, ठीक है। और एक चीज़ क्या होती है कि जैसे कुछ लोगों ने ना मेरे वीडियो में ही मेरे मुंह से कोई बात सुन के किताबें मंगा ली, और बाद में कह रहे यार वो किताब पढ़ नहीं पड़ रही। जैसे मैं ज़्यादातर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन सब चीज़ों, इन लोगों की बात करता हूँ, ये फिलोसफरों की बात करता हूँ। तो वो मैंने उस बीच में बात करी कि भाई सुकरात ने कभी अपने ऊपर कोई किताब नहीं लिखी, अपने कंटेंट को कभी भी सुकरात ने लिख करके नहीं बोला। तो सुकरात के ऊपर 26 किताबें प्लेटो ने लिखी, उसमें सबसे मशहूर किताब द रिपब्लिक है। तो एक दो लोगों ने द रिपब्लिक किताब मंगवा ली और बाद में बोल रहे यार ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रही। अरे भाई, द रिपब्लिक उसके नाम से समझो ना, उसके टाइटल से समझो। द रिपब्लिक वो थी सारी की सारी, एक देश को कैसे चलाया जाए, कानून व्यवस्था कैसे डिज़ाइन करी जाए, देश में राजा की नीति क्या होनी चाहिए, सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, न्यायपालिका की नीति क्या होनी चाहिए, विदेश नीतियाँ क्या होनी चाहिए, वो इस एक राज्य के गठन के ऊपर थी। उसका नाम बता रहे ना, द रिपब्लिक, द रिपब्लिक।
कि एक गणराज्य को कैसे, एक अच्छा गणराज्य कैसे बनाया जाए, उसमें कानून व्यवस्था कैसी रहे। अब आप सीखना चाह रहे हो जीवन के फलसफे, आपने प्लेटो का नाम सुन लिया और आपने मेरे मुंह से द रिपब्लिक सुन लिया, जाके रिपब्लिक खरीद लिया, वो तो पल्ले पड़ नहीं रही, आपको सीखना कुछ था, आप सीख छोड़ रहे हो। तो ऐसी गलती मत करना। मैंने बताया था कि किताब पढ़ने के तरीके में सबसे पहले किताब के टाइटल से अंदाज़ा लगाओ ना, आपको आधी किताब तो वहीं समझ में आ जाएगी। द रिपब्लिक, तो द रिपब्लिक का से ही मालूम पड़ जाता है कि वो गणराज्य के ऊपर लिखी गई किताब है। गणराज्य के एक सक्षम गणराज्य, एक अच्छा गणराज्य कैसे होना चाहिए, सरकार की नीतियाँ, न्यायपालिका, ये सब चीज़ों के ऊपर बात होगी उसमें, ठीक है। मैंने खुद नहीं उसको ढंग से पढ़ा, तो और ज़रूरी नहीं है कि आपको अकलमंद बनने के लिए ज़बरदस्ती आँखें फोड़ फोड़ के पूरी किताब पढ़नी। मैं ये सब बोझ नहीं लेता, मैंने मेरे को बहुत सारी किताबें जो मैंने नहीं पढ़ी या पढ़ के छोड़ दी। तो आज के ये तो ये आप बात समझ गए। अब आज के मैं वीडियो में एक किताब है, आपने एक नाम सुना होगा, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब जो हैं वो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं, मालिक थे। ये जो आईफोन है, एप्पल, एप्पल आईफोन, इसके वो मालिक थे, संस्थापक थे। और वो अकेले नहीं थे उस समय, उनके साथ उनकी सिस्टर भी शुरुआत के दिनों में थी, उनका जो दोस्त था, जो पार्टनर भी रहा, वोज़नायक, नाम बोलने में शायद थोड़ी दिक्कत, विज़नायक, वोज़नायक, वो भी था उनके साथ। और पर अब तक की मेरी पढ़ी गई बायोग्राफीज़ में, ऑटोबायोग्राफीज़ में, ये सबसे ज़बरदस्त किताब थी, पढ़ के मज़ा आ गया। इस किताब को हिंदी में, इंग्लिश में मुझे इसका नाम नहीं मालूम, पर हिंदी में ये अमेज़ॉन में अवेलेबल है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। किताब का नाम है कर्मयोगी, स्टीव जॉब के ऊपर किताब है। उनके पूरे अपने जीवन में कैसे वो पैदा हुए, कैसे वो बिन ब्याही माँ की के संतान थे, कैसे उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया, फिर कैसे उनके जो दूसरे पेरेंट्स थे, एक होते जैविक माता पिता, एक होते भौतिक माता पिता, जो दूसरे माता पिता थे उन्होंने कैसे उनको गोद लिया, कैसे पाला पोसा, उनकी बहन का क्या हुआ, कैसे उन्होंने अपनी फिर बड़े होने के बाद अपनी माँ को ढूंढा, अपनी बहन को ढूंढा, कैसे उन्हीं की कंपनी से उनको निकाल दिया गया, अपनी ही कंपनी में से बाहर कर दिया गया जिसके वो मालिक थे, फिर कैसे उन्होंने उसी कंपनी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, फिर उसी कंपनी में उनको वापस बुलाया गया और उन्होंने बिना सैलरी के उस कंपनी में काम किया और उस कंपनी को फिर आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाया। मतलब बहुत ज़बरदस्त किताब है। और उनका एक हमेशा कोट था जो आखिरी में बोला था उन्होंने, कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो पागलों की सुनो, क्योंकि पागल ही हैं जो धरती को बदलेंगे जो कुछ करते हैं। क्योंकि जब कोई बोलता था कि लोहे का हवाई जहाज उड़ेगा तो लोग उसको पागल बोलते थे, पर उड़ा। कभी किसी ने कहा कि लोहा पानी में तैरेगा पर आज तैरता है। तो हर उन्होंने कहना कि पागलों की सुनो, पागल ही दुनिया को बदलेंगे, ठीक है, चाहे वो वैचारिक रूप से बदलें या चाहे कोई वो इन्वेंशन करके बदलें। तो उस किताब का नाम है कर्मयोगी, वो आप पढ़ सकते हो। अगर दूसरा आपको अपने जीवन में हथकंडे अपनाने हैं, मैनिपुलेशन करना है लोगों को और रिश्तों को स्मूथ करना है एक्टिंग करके, स्ट्रेटजी और ट्रिक से, तो एक किताब है सेवन हैबिट्स। सेवन हैबिट एक किताब है स्टीवन आर कपी की, कवि की, राइटर जो है स्टीवन आर कवि, सेवन हैबिट, ये किताब भी अच्छी है। पर इसमें आपको तरीके बताए गए हैं कि किन तरीकों से आप अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करके या मैनिपुलेट करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो या उनको खुश रख सकते हो, स्ट्रेटजी। हालांकि मैं इस किताब को पर्सनली पूरी तरह सहमत नहीं हूँ इस किताब से, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर कोई आदमी आपके साथ बहुत करीबी है तो आपको उसको ईमानदारी से बदलना चाहिए, ना कि उसके साथ कोई तरीके या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटजी थोड़े दिन के लिए तो ठीक रहेगी या ठीक भी रहे, पर आपको अंदर से तो मालूम है कि आपने कुछ तरीके अपनाए हैं। तो सेवन हैबिट, और भी कई किताबें हैं। हाँ, एक अपनी चाणक्य नीति, आप चाणक्य नीति को पढ़ सकते हो, बहुत ज़बरदस्त किताब है। चाणक्य नीति की सिर्फ एक सूत्र को मैंने माना, जिसमें चाणक्य ने, कौटिल्य ने यह कहा था, जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन ना हो, जहाँ पर शुद्ध पानी ना हो, जहाँ पर शुद्ध हवा ना हो, वहाँ पर शुद्ध खाने की व्यवस्था ना हो, वहाँ पर कभी नहीं रहना चाहिए। जिस जगह पर राजा सुरक्षा ना दे सके और राजा से ही खतरा हो, या राजा की प्रजा ही इतनी उत्तेजित हो उनसे खतरा हो, वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। तो मैंने बस इसी बात को माना, तो मैंने कहा ठीक है, बेस्ट जगह तो नहीं जा सकते पर बेटर जगह तो जा सकते हैं। तो मैं दिल्ली छोड़ के गोवा में रह रहा हूँ, कल को गोवा से बेटर कोई जगह मिलेगी तो वहाँ पर रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब मेरा कुत्ता अपनी मर्ज़ी से अपनी साफ़ सुथरी जगह या अपनी मनपसंद जगह चुन के सो सकता है, उसका मन करता है वो बेड पे सोता है, फिर उसको थोड़ी देर बाद गर्मी लगती है तो वो जमीन, ठंडी ज़मीन पे सोता है, फिर वो वापस बेड पे आता है। मतलब मेरा कुत्ता अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी सकता है, और अगर मैं वो भी ना जीऊँ तो मैं तो फिर इंसान के रूप में दबाऊँ। तो चाणक्य नीति आपको बहुत
सिखा सकती है। हालांकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें हथकंडे हैं, स्ट्रेटेजी है, पर फिर भी कुछ बातें जो हैं जीवन के मूलभूत सिद्धांत से जुड़ी हुई भी हैं। तो चाणक्य नीति बहुत पतली किताब है, बहुत कम पेजों, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया, बस सीधा सीधा सूत्र दिए गए हैं। संस्कृत में सूत्र हैं, उसके बाद में हिंदी में उसकी व्याख्या है। कुछ को समझने में दिक्कत होगी, पर ज़रूरी नहीं कि आपको सबको समझो या सबसे सहमत हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं अच्छा इसका मतलब आपने एक बात मानी मतलब बाकी बातों से आप खिलाफ हो, अरे भाई बाकी मैं इम्प्लीमेंट नहीं करा ना, मैंने जब इम्प्लीमेंट करूँगा तब समझ जाऊँगा। अब उसमें तो उन्होंने ये भी बोला ना कि खाने को और औरत को और पैसे को छुपा के रखो लोगों से, पर आज की डेट में लोग पॉसिबल नहीं है, औरतें खुद फैशनेबल कपड़े पहन पहन के फ़ोटो फेसबुक पर डालती, कहाँ से छुपाओगे औरत को। खाना तो लोग बर्गर खाने जाते हैं मॉल में, मैकडोनल्ड में, उसकी भी फ़ोटो फेसबुक पर डालते हैं, क्या करोगे। हम लोग खाना खाते केले के पत्ते पे, हम लोग वीडियो बना करके डालते हैं। तो हर चीज़ देश काल परिस्थिति के ऊपर भी निर्भर होती है। तो मैं नहीं कहता कि भी चाणक्य नीति की सारी बात अप्लाई करी जा सकती है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारी बात सही है या सारी बात गलत है। किसी का भी सही गलत हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए वो क्या काम कर रहा है। सबसे अच्छा सही है पर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, उसका चार डालोगे। तो हीगल ने कहा था ना कि अगर आदर्श जरूरत से ज़्यादा मजबूत हो जाए तो मानवता की कब्र बन जाते हैं, क्योंकि इतने मजबूत आदर्श का क्या करोगे कि जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते या अप्लाई करने के चक्कर में रोज मरना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम का होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।